हेलो गाइस, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्ट्स। और मेरा नाम है नासिर है। और मैं हूं माद लतीफ। तो आज जो वीडियो है हमारी कौन सी है भाई? हालचाल तो पूछ लिया करो। चलो, हाल क्या है यार? क्या हालचाल? ठीक पार्ट है, इट पार्ट हो। वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कर दो, पहले ही कर दो। साथ में यहां एक और बात, हमारा ना गेमिंग चैनल है, ठीक है? बाज़ूका लिंक नीचे है, बाज़ूका उसका चेक करें, जरूर करें, जाकर लाइक करो उनकी। कोई भी वीडियो आते जट की उसको लाइक कर दो, मजा आएगा। सब्सक्राइब कर दो, सारे मजा जरूर है। बहुत मजा है, जूटी फाइव वीडियोस में आता है आपका, मजा आएगा। बहुत हैवी वीडियोस हैं, स्टोरीज बनती है भाई। तो जाकर इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कर दो, दोनों को कर दो। तो बस फिर काउंटिंग करो, स्टार्ट करते हैं। वीडियो कौन सी है? एक मिनट यार, मैं आजकल ना, पर जयपुर सिटी है, राजस्थान सिटी। व्यूज और फैक्ट्स, तो व्यूज इस पे भी मतलब डिमांड आई, तो हमने फिर अभी इसके देने लगे। तो देखते हैं अभी सिटी टूर कैसा है राजस्थान का। ये जयपुर सिटी काउंटी को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 3 2 1 स्टार्ट। डीवाई, भारत के गुलाबी शहर, द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर, जिस शहर में जगह जगह पर राज राजाओं की अंदाज छुपा हुआ है। राजपूतों का शहर है जयपुर, जहाँ पे दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद है। जयपुर आज के समय में देश का आर्थिक प्रगतिशील वाला शहर है, जहाँ पे सिटी मेट्रो से लेकर रॉयल पैलेस, आईटी इंडस्ट्री से लेकर मल्टीप्लेक्स शॉपिंग मॉल, एजुकेशन हब से लेकर वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव होटल, सब कुछ मौजूद है, जो जयपुर शहर को बनाता है इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। जयपुर एक प्लैंड सिटी होने से लेकर आज के समय की स्मार्ट सिटी तक गुड कनेक्टिविटी के साथ एक बेहतरीन शहर के तौर पर सामने आया है, जो जयपुर को बनाता है एक मॉडर्न शहर। आइए एक्सप्लोर करते हैं देश का सबसे पहला प्लैंड सिटी जयपुर को। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे। भारत का बड़ा प्रदेश राजस्थान का राजधानी शहर है जयपुर। राजस्थान के सबसे बड़ा शहर है जयपुर, जो 484.6 किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। 40 लाख से भी ज्यादा आबादी वाला शहर है जयपुर। पॉपुलेशन के हिसाब से जयपुर इंडिया का 10th मोस्ट पॉपुलस सिटी है। राजस्थान की प्राइड है जयपुर। शहर में ज्यादातर लोग राजस्थानी हैं, और यहाँ की मुख्य भाषा है मारवाड़ी। मारवाड़ी के साथ साथ हिंदी एंड इंग्लिश से भी लोग बात कर लेते हैं। जयपुर में पिछले कई सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ हायर रहा है, जिसका असर जयपुर के जीडीपी में पड़ा है। जयपुर इंडिया का 11 सबसे जीडीपी वाला शहर है। 1726 में महाराजा जयसिंह द्वारा जयपुर शहर को बसाया गया था। जयपुर इंडिया का पहला ऐसा शहर है जो प्लानिंग करके बनाया गया है। आर्किटेक्चर विद्याधर भट्टाचार्य ने भारत के सारे वास्तुशास्त्रों को मानकर ही शहर को प्लान किया था। करीब 4 साल लग गए जयपुर शहर को बसाने के लिए। जयपुर पूरे भारत में अकेला ऐसा लौता शहर है जिसे इस तरह बसाया गया है, जो जयपुर को सबसे अलग और खास बनाता है। जयपुर को भारत का गुलाबी शहर मतलब पिंक सिटी कहा जाता है। पुराने जयपुर में ज्यादातर मकान पिंक कलर से पेंट है। क्या आपको पता है जयपुर गुलाबी शहर या फिर पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? थैंक्स टू महाराजा राम सिंह, जिनके राज में प्रिंस ऑफ वेल्स जब जयपुर शहर में आए थे, उनके स्वागत और मेहमान नवाजी में सारे घरों के कलर पिंक कलर से पेंट किया गया था। पिंक कलर अतिथियों से जुड़ा हुआ है। उस समय सारे घर, फोर्ट, शॉप, सब कुछ गुलाबी रंग में रंगीन कर दिया गया था। तब से आज तक जयपुर गुलाबी शहर नाम से परिचित है। परंपराओं को बचाते हुए आज भी जयपुर में मेहमानों को दिल से स्वागत किया जाता है। राजस्थान और जयपुर के कल्चर बहुत ही पुराने और गहराई है। यहाँ की घूमर नाच पूरे विश्व में अलग ही परिचिति रखता है। इसके अलावा और भी कई सारे ट्रेडिशनल कल्चर इसमें शामिल है। कई सारे सर्वे में जयपुर को वन ऑफ द सेफेस्ट एंड ब्यूटीफुल सिटी के रूप में चुना गया है। जयपुर का वर्ल्ड ट्रेड पार्क शहर का एक बेहतरीन जगह है, जहाँ पे मल्टीप्लेक्स से लेके शॉपिंग डेस्टिनेशन एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क का बिल्डिंग एक मॉडर्न आर्किटेक्चर का नमूना है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर का एक न्यू आइकन बन चुका है। जयपुर बस रैपिड सिस्टम शहर का एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट में काफी सुविधा होती है। जयपुर का अपना खुद का मेट्रो भी है। 8 जून 2015 में जयपुर को अपना पहला मेट्रो मिला। जयपुर मेट्रो ऑपरेट करती है JMRC, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। जयपुर मेट्रो में 4 कोचेस है। मेट्रो की टोटल लेंथ है करीब 13 किलोमीटर। यहाँ पे कुल 11 मेट्रो स्टेशन मौजूद है। जयपुर के मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया है,
मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में करीब 30,000 लोग एक साथ गैलरी में बैठ के खेल देख सकता है। जयपुर इज होम टू द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल। जैसे आपको पता है, जयपुर एक राजवाड़ा महाराजाओं का राजकीय शहर है और यहाँ पे साल भर हजारों पर्यटक विश्व की कई सारे देशों से घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे मौजूद रॉयल पैलेसेस लोगों को अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है और उसी पैलेसेस की तरह बनाए गए होटल में टूरिस्ट रहते हैं, जहाँ पे वन नाइट स्टे करने के लिए कई लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। सच में जयपुर एक रॉयल सिटी है। जयपुर के हर जगह पे रॉयल कल्चर की टच है। जयपुर में रहने वाले लोग अपने आप को राजपूत कहता है। यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस से पगड़ी और लहंगा जयपुर में आने वाले अतिथियों का अलावा दास्तां बयां करता है, जो आपको बार बार यहाँ पे आने पे मजबूर कर देगा। जयपुर में कई तरह के राजस्थानी खाना है जो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसमें गोलगप्पा, प्याज कचूरी, काठी रोल, मटन टिक्का, क्रिस्पी पकौड़ा, जलेबी और भी कई सारे खाना आपको मिल जाएगा। ऐसे तो जयपुर में ढेरों ऐसे घूमने लायक जगह है जिसमें इन जगह पे जरूर जाना चाहिए। आमिर फोर्ट, सिटी पैलेस, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, हवा महल, जल महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट, चौकी धनी, बापू बाजार, एल्ब्रेट हॉल म्यूजियम, गलताजी टेम्पल, जगार फोर्ट, अवनेरी स्टेप ऑयल, पन्ना मिन्ना की कांड, रामनिवास गार्डन, राम मंदिर सिनेमा, चंद बारोई, इसके अलावा और भी ढेर ऐसे जगह शामिल है जहाँ पे आपको जरूर घूमने के लिए जाना चाहिए। जयपुर सच में अपने आप में एक बेहतरीन और खूबसूरत और राजबड़ाओं का शहर है। आपको जयपुर की कौन सी चीज सबसे अच्छा लगता है वो कमेंट पे जरूर बताएं। मैं भी बताएं। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी। वीडियो होगी एंड। ये बस इस सिटी का नेम भी हमारे लिए न्यू था, ठीक है ना। जयपुर और मतलब पहली बार ही सुना जयपुर। मैंने सुना हुआ जयपुर, सुना हुआ पहले। तो अभी यार बहुत ही जबरदस्त है, राजस्थान के सबसे लार्जेस्ट उन्होंने बताया, ठीक है। इसमें जो वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मैं सुने वर्ल्ड सेंटर शायद वो कह रहे हैं, फिर मैंने दोबारा सुना वर्ल्ड ट्रेड पार्क था वो पार्क। बिल्डिंग उसकी उन्होंने मतलब बहुत अच्छी बनाई थी, फ्रंट से मतलब बेहतरीन। और मैंने एक चीज़ नोट किया कि इसमें ज़्यादातर मतलब बिल्डिंग मुझे ना वो जैसे उन्होंने सही बताया शाही या ओल्ड जो थी ना फैशन पे हिस्टोरिकल टाइप वो नजर आई, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा मॉडर्न टच नहीं था सिटी में। जैसे हमने मुंबई पे नोएडा पे दिए हैं रिएक्शन, नहीं उनके वो मॉडर्न होंगे लेकिन उन्होंने मतलब ज्यादा वो हिस्टोरिकल ही चीजें दिखाई। कवरेज शायद उन्हीं को दी है ज्यादा, कि जो जिस मतलब बेस पे सिटी जिसके बेस करता है सिटी पिंक कलर, पिंक गुलाबी शहर कहते हैं जिसमें गुलाबी गुलाबी जो थे ना वही ज्यादा दिखाई है ना वो। जैसे हवा महल कौन सा महल दिखाया वो भी सारा पिंक पिंक था सारा। तो ये चीजें मतलब मैंने इसमें नोट की। और एक चीज है यार जिस सिटी पे भी रिएक्शन दिए हमने इंडिया पे, मेट्रो 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 है सबकी अपनी मिसाल है, मेट्रो ट्रेन है ही है वो तो। हाँ तो ये बहुत बेस्ट बात मुझे लगती है, मैंने जिससे भी रिएक्शन दिया ये बहुत अच्छी बात है। मेट्रो ट्रेन मेट्रो हर शहर में मौजूद है और अच्छी बात है। वो उस पे दिया था कलकत्ता में, मेरे ख्याल हो गया था 1984 से वहाँ पे मेट्रो चल रही। हाँ ये हम उस पर बहुत हैरान हुई थी उस टाइम भी यार। पाकिस्तान में भी चल पड़ी लाहौर में, लाहौर में अब चली है तो वहाँ पे 1984 से यार कलकत्ता में। ये हैरानी वाली बात है, क्या बहुत बड़ी बात है इतनी पहले से मतलब चल रही। वो मज़ेदार चीज़ मतलब ये अच्छा लगा यार। देखें आप हमें मतलब वीडियोस बताते हैं, हम उन पर रिएक्शन देते हैं, हम खुद नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं इंडिया की। बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब पता चली हैं जो कभी जिंदगी में शायद पता ही ना लगती, लेकिन अगर हम शायद ये चैनल ना बनाते। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मतलब पहले सिर्फ सुना था हमने, देखी उनको उनकी डिटेल में मतलब उनको जो हमने देखा कि मूवीज देखते थे बस बस, इससे और कोई इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती नहीं थी ज़्यादा। हमें काफ़ी मतलब मौका मिल रहा है अच्छा ना इंडिया को जानने का। और बांग्लादेश पे भी मतलब देते हैं हमारी वीडियो जरूर देखिएगा। तो कुछ वीडियोज मैंने पाकिस्तान पे भी दी हैं पर ज़्यादा इस पर होती हैं, मतलब डिमांड ज़्यादा इंडिया से आ जाती है ना, जिस पर डिमांड ज़्यादा आएगी वो लिंक्स पे ज़्यादा आते हैं तो हम वही बनाएंगे ना। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं। हाँ जी तो फिर मेरे ख्याल से वीडियो एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, मतलब मैं नहीं हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे जो लिंक अभी हसन के भी एग्जाम्स हैं तो उसके लिए दुआ कीजिएगा, हसन भी जरा अच्छे पेपर हो जाए। तो बस अभी फिर एंड कर वीडियो को एंड कर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, ऐसे अच्छी सजेशन देते रहें। ठीक है, अल्लाह। We'll be right back.